पिछले 10 सालों में मैं जब देख पा रहा हूँ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। आज हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो ये पूरा का पूरा अभी कंप्यूटर बेस पे चला गया है। डिजाइनिंग सेक्टर, अभी बात करूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चर कैसे होता है उसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो डिजाइनिंग रेडी हो गई उसका एक आरपीटी बनेगा। आरपीटी मतलब एक प्लास्टिक मॉडल बनेगा। प्लास्टिक मॉडल बनने के बाद उसका एक रबर मोल्ड बनाया जाएगा। रबर मोल्ड जैसे बनेगा उसके बाद वैक्सिंग प्रोसेस और कास्टिंग, मतलब जो भी मटेरियल्स है आप जिससे गहना बनाना चाहते हैं उसका पूरा कास्टिंग मतलब फिलिंग होगा। वो फिलिंग हो जाने के बाद आपको मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे, उनका प्री पॉलिशिंग करेंगे हल्का हल्का, और पॉलिशिंग उसके साथ जो डायमंड वगैरह पेस्टिंग करना है तो डायमंड पेस्टिंग करेंगे। डायमंड पेस्टिंग हो जाने के बाद एक रफ मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल टचअप देना है, पॉलिशिंग देना है, वो पॉलिश करके आपको वो कंप्लीट हाथ में थमा देंगे। पहले लोग हैंडमेड पूरा करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, अभी भी कर रहे हैं लोग। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई उसके साथ आज मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो जिस लेवल पे जाना चाहिए, जिसका फास्ट ग्रोथ होना चाहिए, उनका जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। तो मतलब इनका जो बेस है वो बेस तो डिजाइनिंग है।